क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम ये तीसरा टेस्ट मुकाबला भी जीतने में सफल रहेगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट श्रृंखला के अंतिम टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने इस मुकाबले के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 497 रनों पर 9 विकेट खोकर डिक्लेयर कर दी। दोस्तों आपको बता दें कि इस पहले इनिंग में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक 200 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। वहीं उनका साथ देते हुए अजिंक्य रहाणे ने भी लाजवाब शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वहीं अंत में रविंद्र जडेजा ने भी लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी मामूली रही, जिसके चलते भारतीय टीम के हर एक बल्लेबाज ने जम के रन बनाए। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अंत में आकर लाजवाब 5 छक्के जड़कर भारतीय टीम के लिए अंत में एक तूफानी पारी खेली। पारी के 112वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए उमेश यादव ने लिन के इस ओवर की पांचवी और छठी गेंद पर दो लंबे छक्के जड़ के दक्षिण अफ्रीका की टीम को सदमे में डाल दिया। वहीं उसके बाद 114वें ओवर में वापस गेंदबाजी करने आए लिन के ओवर की पहली गेंद पर ही आगे आकर उमेश यादव ने एक तेज दर्रार छक्का जड़ा। वहीं इसी ओवर की तीसरी और पांचवी गेंद पर उमेश यादव ने दो और छक्के जड़ के 10 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली। उमेश यादव की बल्लेबाजी को देखकर खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान भी सदमे में दिखाई दिए और वहीं गेंदबाज लिन तो गेंदबाजी छोड़कर फील्डिंग के लिए चले गए। उमेश यादव ने अपनी इस पारी में लाजवाब 5 छक्के जड़े और उमेश यादव की ही इस तूफानी पारी के चलते भारतीय टीम 497 रनों तक पहुंचने में सफल रही, वरना भारतीय टीम 470 रनों तक ही पहुंच पाती। लेकिन उमेश यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम के लिए एक अहम पारी खेली। तो दोस्तों आप उमेश यादव की इस तूफानी पारी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।